हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं एक सुपर फास्ट आरसी बोट की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। दोस्तों, इस आरसी बोट को चाहे तो आप भी खरीद सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर खरीद भी सकते हो। बॉक्स के इस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आरसी बोट है काफी ज्यादा फास्ट होने वाली है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसका डिजाइन आप देख सकते हो, एक फाइटर जेट प्लेन की तरह ही बनाया गया है और इसका नाम है एरो आरसी इलेक्ट्रिक पावर्ड रेसिंग बोट। बहुत ही बड़ा नाम रखा है इन लोगों ने। ये जो आरसी बोट है दो कलर्स में हमें मिल जाती है, एक है रेड कलर, दूसरा है सयान कलर। दोस्तों, मेरा फेवरेट कलर सयान है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलो, इस बोट को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। बोट को यहाँ से निकाल लेते हैं अपन लोग, इसको रखते हैं यहाँ पर। और ये रहा दोस्तों इसका रिमोट, रिमोट को भी निकाल कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसके साथ हमें एक यूज़र गाइड भी मिलती है। ये रही गाइस इसकी यूज़र गाइड, तो इसको रखते हैं यार साइड में। और यहाँ पर एक कवर है, कवर के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये है इसका चार्जर बोट को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी हमें मिल जाते हैं। तो भी बात करते हैं हमारे बोट के डिज़ाइन और बोट की क्वालिटी के बारे में। बोट का डिज़ाइन आप देख सकते हो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये एक पूरी तरीके से फाइटर एरोप्लेन की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ पर पूरा पेंटिंग है, ये स्टिकर नहीं है, पूरी तरीके से पेंट वगैरह किया हुआ है। यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट 22 बोलकर, इस तरफ स्टॉर्म बोलकर लिखा है, पूरी तरीके से पेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये शायद स्टिकर है गाइस। इस बोट को हम डायरेक्टली यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अंदर कितने mAh की बैटरी दी गई है बॉक्स के ऊपर या फिर यूज़र मैनुअल के अंदर कहीं पर भी कुछ भी डिटेल्स नहीं लिखा हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है गाइस, ये जो बोट है एक बार फुल चार्ज करने पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक वाटर में हम लोग चला सकते हैं। तो इसी तरह की मेरे पास एक और बोट भी थी गाइस, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइस आप लोग, ये है मेरी एक और सुपर बोट। इसकी वीडियो शायद मैंने 1 ईयर पहले डाली थी। ये बोट आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी। ये भी सेम ब्रांड की है पर इसका नाम कोवाट है। इसके अंदर भी कितने mAh की बैटरी है कुछ लिखा नहीं था गाइस। ये जो बोट है एक बार फुल चार्ज करने में तकरीबन 15 मिनट तक चल जाया करती थी। तो इसको रखते हैं यार साइड में। इस बोट के बारे में नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बोट के अंदर हमें कोई भी ऑन ऑफ का बटन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर दो सेंसर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही हम इस बोट को पानी के अंदर रखते हैं, ये जो बोट है ऑन हो जाती है। पीछे की तरफ इस बोट के अंदर यहाँ पर डुअल प्रोपेलर मिल जाते हैं। डुअल प्रोपेलर होने का मतलब ये होता है कि इस बोट जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो यही था गाइस इसका डिज़ाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। डिज़ाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, कलर भी काफ़ी कमाल का लगा इस बोट का। तो रिमोट के बारे में भी बात कर लेते हैं। रिमोट के अंदर यहाँ पर हमें दो AA बैटरीज डालनी होती है। बैटरी मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डाल के रखी हुई है। ये है इसकी स्टीयरिंग, यहाँ से आप इस रिमोट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक येलो कलर की लाइट जो है ब्लिंक होने लगती है। तो रिमोट का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, 2.4 GHz पर चलता है ये रिमोट। स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पर कुछ कुशन भी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी स्टीयरिंग। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर। इस बोट को वाटर के अंदर मैं आपको टेस्ट करके भी बताने वाला हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत ही बड़ा तालाब है, वहाँ पर जाकर इसको पूरी तरीके से टेस्ट करके देखते हैं ये जो बोट है कितनी स्पीड से चल पाती है और कितनी देर तक वाटर में चल पाती है। तो चलो दोस्तों, लेट्स गो। दोस्तों, रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा था बिग बिलियन डे का, वहां पर मैंने आईफोन 12 का 128 GB वर्जन भी खरीदा है। तो इसकी फुल अनबॉक्सिंग वीडियो जो है मैंने चटपट गैजेट्स टीवी चैनल पर डाल दी है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब में चटपट गैजेट्स टीवी सर्च करोगे तो मेरा एक और चैनल आपको मिल जाएगा।
दोस्तों इस आरसी बोट को मैंने आपको पूरी तरीके से वाटर के ऊपर टेस्ट करके भी दिखा दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे को ये जो आरसी बोट है कैसी लगी। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी आरसी बोट्स हैं, मेरे पास तकरीबन 4 आरसी बोट्स हैं, उन सारे आरसी बोट्स में से ये जो आरसी बोट है मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी गाइस। खास तौर पर इसकी जो बैटरी है बड़ी कमाल की यार, बैटरी अभी तक इसके अंदर ख़त्म नहीं हुई गाइस। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट्स तक वाटर के अंदर टेस्ट किया है, अभी भी इसके अंदर जो है बैटरी बाकी है। इसकी जो स्पीड है वो भी काफी मस्त है गाइस। आप लोगों ने देखा होगा इतनी ज्यादा हवा चल रही थी तालाब के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो आरसी बोट है काफी कमाल और काफी स्पीड से वाटर के अंदर दौड़ रही थी। तीसरी चीज गाइस, इसको जो बनाने में मटेरियल यूज किया गया है काफी कमाल का यार, काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक को लेकर इस बोट को बनाया गया है, काफी ज्यादा जबरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। ओवरऑल दोस्तों ये जो आरसी बोट है मेरे को काफी ज्यादा कमाल की, काफी ज्यादा ऑसम लगी। अगर आप इस आरसी बोट को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस आरसी रेसिंग बोट को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है माहिन, शौनिक, गौरी शंकर, नवीन, कुणाल, अजयवीर, अनुराग, अब्दुल रहमान, रुशान, चैतन्या। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी बोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।